ये चाय भी कितनी प्यारी चीज होती है ना, एक बार पीने के बाद नींद को झट से गायब कर देती है। तो आज का जो चैप्टर मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो भी पूरा चाय के ऊपर है। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3, टी फ्रॉम असम। तो एक सीक्रेट बात बताऊं मैं तुम लोगों को, इस चैप्टर को देखने में तुम लोगों को एक अलग ही लेवल का किक मिलने वाला है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो है ये पूरा 3D एनिमेटेड है और तुम लोग वीडियो देखते हुए बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हो। सो बिना कोई देरी किए हम लोग इस चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। तो इस चैप्टर में ऑथर अरुण कुमार दत्ता हम लोगों को असम की टी के बारे में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो कि आज से पहले तुम लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। साथ ही में वो हम लोगों को ये भी बताएंगे कि आखिर टी का जो डिस्कवरी हुआ वो हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है? यानी कि हम लोगों को इस चैप्टर में पूरा टी के बारे में ही पढ़ना है। चैप्टर काफी इजी है अगर तुम लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तब, ठीक है? सो अब चलो मैं आप लोगों को इस चैप्टर को डिटेल वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। उससे पहले अभी तक अगर तुम लोगों ने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहे हो, किस चीज की देरी है? अभी तुरंत ही सब्सक्राइब के बटन पे नीचे क्लिक करो, लिटरली एक सेकंड लगता है, ठीक है? देखो तुम लोगों से 90% लोग हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं, लेकिन देखो थोड़ा सा रहे मेरे पर भी कर लो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सब चलो बिना कोई देरी के आज के एक्सप्लेनेटरी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का शुरुआत प्रांजल और राजवीर से होता है। प्रांजल और राजवीर दोनों ही स्टूडेंट्स थे और दिल्ली के एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। प्रांजल एक यंगस्टर था असम से और राजवीर दिल्ली में ही रहता था और दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे। प्रांजल के फादर असम के टी गार्डन के मैनेजर थे। प्रांजल राजवीर को समर वेकेशन के हॉलीडेज में अपने घर असम आने का इनविटेशन देता है। अब समर वेकेशन का टाइम आता है, प्रांजल और राजवीर ट्रेन में असम जाने के लिए बैठ जाते हैं। ट्रेन में उन लोगों को अब आवाज आती है, चाय गरम चाय गरम गरम चाय गरम चाय, एक कप ले लो एक कप ले लो एक कप ले लो, चाय गरम है गरम चाय गरम चाय। ये आवाज वहाँ के वेंडर्स निकाल रहे थे और चाय बेच रहे थे। अब एक वेंडर उनके पास आता है और कहता है कि साहब क्या आप चाय पियेंगे? अब प्रांजल उस वेंडर को कहता है, हाँ आप हमारे लिए 2 कप चाय ले आइए। उनके कंपार्टमेंट में ऑलमोस्ट सभी लोग चाय पी रहे होते हैं। अब राजवीर कहता है, क्या तुम्हें पता है प्रांजल, पूरे वर्ल्ड में रोजाना 80 करोड़ कप ऑफ टी पी जाती है। ये सुनकर प्रांजल कहता है, वाव ब्रो टी सच्ची में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। अब ट्रेन स्टेशन से निकलती है। प्रांजल अपनी डिटेक्टिव की बुक खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है। राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरीज का बहुत ही ज्यादा बड़ा फैन था, लेकिन उस टाइम पे वो बस विंडो की बाहर की ब्यूटीफुल सीनरी को एंजॉय कर रहा था। बाहर का जो सीन था वो बहुत ही ज्यादा सुंदर था और पूरा हरा भरा था। राजवीर ने इतनी ग्रीनरी आज से पहले कभी नहीं देखी थी। ऑब्वियसली राजवीर दिल्ली से था और दिल्ली में पॉल्यूशन और केजरीवाल जी की पोस्टर्स के अलावा आपको क्या ही दिखेगा। तो असम जाने के रास्ते में वो बहुत ही मैग्निफिसेंट व्यू देखता है। वो देखता है कि घने फॉरेस्ट से घिरी माउंटेन के नीचे जहाँ तक नजर जा रही थी वहाँ तक केवल टी की बुशेस दिख रही थी। बड़े बड़े ट्रीज के नीचे उन टी प्लांट्स को प्लांट किया गया था ताकि उन टी प्लांट्स को शेड मिल सके। उन टी बुशेस के रोज में डॉल लाइक फिगर मूव कर रही होती है और डॉल लाइक फिगर यहाँ टी प्लकर्स को कहा गया है और एक बड़ी सी चिमनी से स्मोक भी निकल रही होती है। राजवीर अब अचानक ही जोर से चिल्लाता है,
और टी गार्डन। प्रांजल टी गार्डन को देख के ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता है क्योंकि ये उसके लिए एक नॉर्मल बात थी। अब वो कहता है कि, यानी कि अब प्रांजल आगे कहता है कि, ओह ये एक टी कंट्री है ना, यानी कि आसाम एक टी कंट्री है ना, इसलिए यहाँ पे ऐसे गार्डन मिलना नॉर्मल है। ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन होता है और अभी तुम्हें बहुत सारी ऐसी गार्डन दिखाई पड़ने वाली है। अब राजवीर कहता है, मैं यहाँ आने से पहले टी के बारे में जितना पढ़ सकता था उतना मैं पढ़कर आया हूँ। ये अभी तक एग्जैक्टली किसी को पता नहीं चल पाया है कि आखिर टी की डिस्कवरी कैसे हुई है। इसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज तो है लेकिन वो एग्जैक्टली सही है कि गलत वो अभी तक किसी को नहीं पता चला है। प्रांजल अब आगे कहता है, कौन सी कहानी, मुझे भी उन कहानी के बारे में बताओ। अब राजवीर हम लोगों को ये बताएगा नीचे के पैरा में कि आखिर टी की डिस्कवरी कैसे हुई, वो दो स्टोरीज हम लोगों को बताएगा। तो अब चलो हम लोग टी की दुनिया में चलते हैं कि आखिर टी की डिस्कवरी कैसे हुई थी। पहली कहानी हमारे एक चाइनीज एम्परर के बारे में जो कि हमेशा अपना जो पानी है वो बॉयल करके पिया करता था। अब एक दिन कुछ पत्तियां उड़ते हुए उसके बॉइल्ड पानी में जाके गिर जाती है और जब पानी बॉयल हो जाता है उन पत्तियों के साथ तब वो वाटर का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हो जाता है। और ये कहा जाता है कि वो जो पत्तियां थी यानी कि वो जो लीव्स उड़कर गिरी थी वो टी लीव्स थी और वहां से टी की डिस्कवरी हुई। अब प्रांजल कहता है, अरे क्या ऐसा हुआ था, मुझे दूसरी स्टोरी भी बताओ कि आखिर दूसरी स्टोरी क्या है टी की डिस्कवरी के बारे में। अब राजवीर कहता है, हमारी दूसरी स्टोरी है इंडियन लेजेंड बोधि धर्मा के बारे में जो कि एक बुद्धिस्ट थे और अपनी आईलिड्स को काट लेते हैं क्योंकि उन्हें मेडिटेशन के दौरान बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है और वो जो आईलिड्स काटते हैं उसी से 10 टी प्लांट बड़ी हो जाती है यानी कि 10 टी की प्लांट ग्रो होती है। और वो जो टी की प्लांट थी उसकी लीव्स को जब बॉइल्ड वाटर में बॉइल करके पिया गया तब तुरंत ही नींद गायब हो जाया करती थी और वहां से डिस्कवरी हुई टी की। टी यानी कि चाय सबसे पहली बार चाइना में पिया गया था वो भी 2700 BC पहले। इनफैक्ट वर्ड जैसे कि टी चाय एंड चीनी ये सब चाइनीज है। टी जो है वो पहली बार यूरोप में 16th सेंचुरी में लाया गया और उस टाइम पे ये एक मेडिसिन की तरह यूज किया जाता था ना कि डेली यूज के लिए ये यूज किया जाता था, ये जस्ट एक मेडिसिन की तरह उस टाइम पे यूज हुआ करता था। ट्रेन अब मरीना जंक्शन यानी कि स्टेशन पे पहुंच जाता है। दोनों ही अपने सामान को लेकर स्टेशन पे उतरते हैं। प्रांजल के पेरेंट्स उन दोनों का वहाँ स्टेशन पे वेट कर रहे होते हैं बैठकर। अब वो दोनों उन दोनों को मिलते हैं और फिर सभी कोई वो लोग कार में जाकर बैठ जाते हैं। अब वो ड्राइव करते हुए देखी बारी यानी कि जो टी गार्डन प्रांजल के फादर मैनेज करते थे उसकी तरफ वो लोग निकल पड़ते हैं। अब एक घंटे बाद वो देखी बारी टी स्टेट एंटर करते हैं। रोड के दोनों साइड में एकर्स ऑफ एकर टी बुशेस लगी थी। टी प्लकर्स की एक ग्रुप बास्केट लेकर न्यूली स्प्राउटेड लीव्स तोड़ रहे होते हैं। प्रांजल के फादर कार को स्लो कर देते हैं और एक ट्रैक्टर जो कि टी लीव से भरी होती है उसे आराम से पास होने देते हैं। अब राजवीर कहता है, ये सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड चल रहा है ना मिस्टर बरुआ और ये मई से जुलाई तक रहेगा और बेस्ट क्वालिटी टी यील्ड करेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिस्टर बरुआ कौन थे, वो प्रांजल के फादर थे। प्रांजल के फादर काफी सरप्राइज थे। अब वो कहते हैं कि, तुमने लगता है यहाँ आने से पहले बहुत अच्छे से होमवर्क कर लिया है आसाम के टी के बारे में। अब राजवीर एडमिट करता है, यस मिस्टर बरुआ, हाँ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है टी के आसाम के बारे में, जितना मैं पढ़ सकता था उतना मैं पढ़ कर आया हूँ।
और फिर राजवीर कहता है कि मैं आगे ये होप करता हूँ कि मुझे और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिले। सो गाइस, इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर भी पूरा अच्छे से कंप्लीट होता है। सो देखो, मेरा काम तो यहाँ खत्म होता है, लेकिन तुम लोगों का कुछ काम यहाँ से शुरू होता है। पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा काम, वीडियो को लाइक जरूर करना। और साथ ही मेरे पढ़ाने के बाद इस चैप्टर को खुद से भी याद से एक बार पढ़ लेना। इससे पूरा चैप्टर तुम लोगों का क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase.